राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मैं आपको आज घर में ही कुल्फ़ी बनाना बताऊंगी और कम खर्चे में बहुत ही अच्छी कुल्फ़ी बनने वाली है। बड़े हो या बच्चे हो या बूढ़े हो, सबको कुल्फ़ी बहुत पसंद आती है और फ़िलहाल गर्मी का मौसम है तो कौन नहीं कुल्फ़ी खाना चाहेगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो आइए देर नहीं करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 पैकेट दूध, यानी कि 2 किलो दूध, फ्रेश दूध है, और ये ब्रेड, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, 1 कटोरी फ्रेश मलाई और 200 ग्राम के करीब चीनी और इलायची जिसके बीज निकाल लिए हैं, और थोड़ा सा आरारोट। तो यहाँ पे गैस पे कढ़ाई चढ़ा देते हैं और इसमें डालते हैं दूध पकने के लिए। तो दोनों पैकेट दूध डाल देते हैं और जब तक दूध खौलता है तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने जो है ड्राई फ्रूट्स लिए थे, जो भी अवेलेबल हो ड्राई फ्रूट्स वो आप ले लीजिए, और इसमें इलायची के दाने और चीनी मिक्स करके पीस लीजिए अच्छे से, बारीक पाउडर बना लीजिए इसका, और जो है अच्छे से मिक्स करिए। बाकी की बची हुई चीनी पीस लीजिए, और ब्रेड की 4 स्लाइस लेना है और इसके ब्राउन पार्ट को निकाल देना है, सारा ब्राउन पार्ट इसका अलग करके, और इसके भी छोटे छोटे पीसेस करके आप इसको ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर सकते हैं। और इसको भी मिक्सर ग्राइंडर में एक बार चला देंगे तो बहुत अच्छे से इसका पाउडर बन जाएगा। तो इसको भी उसी मसाले में मिक्स कर देंगे, और इसमें मिलाएंगे अब थोड़ा सा आरारोट। तो ये है आरारोट, इसमें मैंने मिलाया 1.5 चम्मच के करीब आरारोट और अच्छे से इसको मिक्स कर दिया। और इधर हमारा दूध भी खौल रहा है, अब इसको लगातार हम चलाते रहेंगे दूध को, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा 1 चुटकी सोडा, तो इससे दूध हमारा फटेगा भी नहीं और अच्छे से पक जाएगा। और धीरे धीरे इसको चलाते रहेंगे दूध को। दोस्तों, मेरी वीडियो प्लीज़ अच्छी लगे तो आगे ज़रूर शेयर करें, और मेरे चैनल पर हो नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दूध अच्छे से खौल रहा है बराबर चलाते हुए, किनारे की सारी मलाई दूध के बीच में ही डाल देनी है और अच्छे से इसको खौलाना है। और देखिए, दूध बहुत अच्छे से खौल रहा है। अब दूध जो है गाढ़ा होने लगा है थोड़ा थोड़ा, तो अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने पाउडर तैयार किया था, तो उसको मिला देंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे पाउडर पहले, उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करेंगे। पाउडर को मिलाते जाएंगे और दूध को चम्मच से चलाते जाएंगे धीरे धीरे, इससे पाउडर जो है अच्छे से मिक्स हो जाएगा और उसमें लम्स भी नहीं पड़ेंगे। तरह से थोड़ा थोड़ा पाउडर डाल के पूरा दूध चलाते जाएंगे। अब इसमें डालेंगे 1 कटोरी फ्रेश मलाई और अच्छे से इसको चला देंगे, बराबर चलाते जाएंगे, नहीं तो कढ़ाई के में उबाल भी आ जाएगा दूध में और कढ़ाई से बाहर चला जाएगा दूध। और अच्छे से इस तरह से चारों तरफ से घुरसते हुए बहुत अच्छे से चला देंगे इसको, और धीरे धीरे गाढ़ा होता चला जाएगा। दोस्तों, जितने भी आपके पास मेवे वगैरह हो आप ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जो काजू बादाम वगैरह, जितना भी आपको अवेलेबल हो वही डालिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ ही डालना हो, और सिंपल भी कुल्फ़ी खाई जाती है। अब इसमें थोड़े से कलर ऐड करेंगे हम लोग, तो ये एसेंस है और कलर है, फूड कलर हैं ये सब, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, और मेरा ये गाढ़ा हो गया है। ये देखिए कंटेनर, एयर टाइट डिब्बे हैं, और एक्स्ट्रा डिब्बे थे घर में, आइसक्रीम का डिब्बा और ये स्वीट्स का डिब्बा, तो ये सब रखे रहते हैं, यूज़ हो जाते हैं,
और ये अब देखिए गाढ़ा हो गया, अब इसको ठंडा कर लिया है और ठंडा करके इसको भरेंगे डिब्बों में। तो डिब्बे एयर टाइट ही हों जिससे उसमें जो है आइस नहीं जमेगी ऊपर से, और अच्छे से सारे डिब्बों में भर लेंगे। बहुत सारी आइसक्रीम बन गई है इतने सामान में, और इतनी अगर हम लोग बाहर से ख़रीदते ना तो ये 700 से 800 के बीच में पड़ जाती, और 200-250 में जो है इतनी सारी आइसक्रीम बन गई है। और इसमें हम कलर मिक्स कर देंगे, अलग अलग डिब्बे में अलग अलग फ्लेवर का बनाएंगे, तो इससे टेस्ट भी आएगा और जब मन करेगा तब हम लोग अलग अलग फ्लेवर निकाल के खाएंगे। और बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि गर्मी में कुल्फ़ी खाने का मज़ा ही अलग है। तो इस तरह से अलग अलग डिब्बों में अलग अलग कलर और अलग अलग फ्लेवर डाल देंगे। बहुत मेहनत से दोस्तों ये वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। और इस तरह से सारे डिब्बों में अलग अलग कलर मिक्स कर लिया है, और बहुत ही देखने में सुंदर लग रही है और बहुत यम्मी लग रही है। और किसका किसका मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का, तो सारे आइसक्रीम डिब्बों में डाल दी है और बहुत सारे डिब्बे तैयार हो गए हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, तो दोस्तों ऊपर से गार्निश के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स काट के रखे थे तो ऊपर से डाल देंगे। और इसमें आप खरबूजे के बीज, पिस्ता, काजू, बादाम, जो भी आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं, तो इससे गार्निश आ जाएगी। और यहाँ पे सिर्फ काजू है, थोड़ा सा बादाम है और किशमिश है, बस इतना ही है। और अच्छे से डाल दिया, इसको धीरे से टैप कर देंगे ताकि ये चिपक जाए अच्छे से। और ये हो गए हैं तैयार, अब ये जाएंगे फ्रिज में, तो सबके ढक्कन लगा देंगे अच्छे से। ये देखिए कितनी सारी आइसक्रीम बन गई है, एक आइसक्रीम का डिब्बा जो है 200-150 से 200 के बीच में आता है। अब ये फ्रीज़र में जाएगा और पूरी रात ये फ्रिज में रहेगा, और सुबह देखते हैं आइसक्रीम कैसे जमती है। तो आइए, 12 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, और देखते हैं कितनी टेस्टी है, लग रही है देखने में यम्मी यम्मी कुल्फ़ी, बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी। तो जिसको जिसको खाना है वो आ जाए, खाया जाए। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल पर हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।